अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम 48 टू 50 स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारी पीडीएफ बुक स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर पीडीएफ बुक से लिए गए हैं। अगर आपने वो अभी तक बाय नहीं किए तो इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करके बाय कर सकते हैं। तो देखें, इस तरह के स्ट्रक्चर्स हम पढ़ने वाले हैं और देखें, इस वीडियो तक हमारे 50 स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप इसको सीक्वेंस वाइज पढ़ना चाहते हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके स्पोकन इंग्लिश कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वन बाय वन वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखें, फर्स्ट टाइम हमारा स्ट्रक्चर है, अगर मेरा बस चलता तो, अगर उसका बस चलता तो, अगर उस बच्चे का बस चलता तो कोई कुछ कर देता। ठीक है, अगर उसका बस चलता तो ये कर देता, अगर उसका बस चलता तो यूं कर देता। ठीक है, तो इस तरह का सेंस होगा। देखें इसके लिए क्या स्ट्रक्चर यूज़ होगा। सबसे पहले आएगा इफ़, क्योंकि हमें पता है ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ से तो शुरू हो गई। और फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा हैड, हैड के बाद आएगा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन जैसे कि माय, योर, हिज, हर, देयर, आवर और इट्स। ठीक है, तो ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन होगा। फिर उसके बाद आएगा वे। तो ये जो पजेसिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, सब्जेक्ट में जो होगा उसी के हिसाब से हमारा पजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा। जैसे कि अगर मेरा बस चलता तो मैं बोलूँगी इफ़ आई हैड माई वे, अगर उसका बस चलता तो बन जाएगा इफ़ ही हैड हिज वे। ठीक है, अगर हमजा का बस चलता, अगर इस तरह सेंटेंस होता, अगर नाम आ जाता तो होता इफ़ हमजा हैड हिज वे। ठीक है, और अगर किसी लड़की का नाम होता जैसे इफ़ बिस्मा हैड हर वे, तो यहाँ पे हर आ जाएगा। सो फिर उसके बाद जो हमारा सेंटेंस आएगा वो आएगा, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद आएगा वुड, वुड के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आ जाएगी ऑब्जेक्ट। यानी कि हमारा जो दूसरा क्लोज होगा, दूसरा सेंटेंस होगा, वो बनेगा वुड से। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, यानी कि ऐसा होता तो हो जाता, ऐसा असल में हुआ नहीं है। सो देखें, सेंटेंस बना, अगर इस बच्चे का बस चलता तो ये पूरा कमरा इन चीज़ों से भर देता। अगर इस बच्चे का बस चलता तो ये पूरा कमरा इन चीज़ों से भर देता, बन जाएगा इफ़ दिस चाइल्ड हैड हिज वे। ठीक है, तो दिस चाइल्ड को हमने कंसिडर किया कि ये एक मेल है, तो इसलिए यहाँ पे हिज लगाया। इफ़ दिस चाइल्ड हैड हिज वे ही वुड फिल दिस रूम प्योर विद दीज थिंग्स। ही वुड फिल दिस रूम, वो इस कमरे को भर देता प्योर विद दीज थिंग्स, यानी इनसे पूरा पूरी तरह से इन चीज़ों से भर देता। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अगर फारूक का बस चलता तो वो तुम्हें ये ना करने देता, ना करने देता लेट वाला सेंटेंस से बनेगा। देखें, वुड नॉट लेट, क्योंकि नेगेटिव है तो इस तरह बनेगा, इफ़ फारूक हैड हिज वे ही वुड नॉट लेट यू डू इट। इफ़ फारूक हैड हिज वे ही वुड नॉट लेट यू डू इट, अगर फारूक का बस चलता तो वो तुम्हें ये नहीं करने देता। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे ये सारा काम करवाता, ये काम करवाता, तो यहाँ पे हम मेक का यूज़ करेंगे। किस तरह से देखें, इफ़ आई हैड माई वे आई वुड मेक हिम डू ऑल दिस वर्क। मेक हिम डू यानी कि मुझसे काम करवाता, तो यहाँ पे जो मेक है इस पॉजिटिव वर्ब यूज़ हुआ है। मेक को जो है पॉजिटिव वर्ब पे मैंने एक पूरी तफसील से वीडियो बनाई हुई है, अगर आप नहीं देखी तो उसका लिंक जो है मैं आई बटन में भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगी, आप जहाँ से देखना चाहें आप देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद देखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम तो पानी तक का नहीं पूछते। अगर तुम्हारा बस चलता तुम तो पानी तक का नहीं पूछते, बन जाएगा इफ़ यू हैड योर वे, अगर तुम्हारा बस चलता यू वुड नॉट ऑफर इवन अ ग्लास ऑफ वाटर, तुम पानी तक का नहीं पूछते, यानी तुम पानी तक मुझे ऑफर नहीं करते। आई होप कि आपको ये वाला यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू टू ट्रांसलेट, अगर मेरा बस चलता तो मुझे आने नहीं देता, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे आने नहीं देता, लेट वाला सेंटेंस। इस सेंटेंस को ज़रूर बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या हम बोल रहे हैं, तो क्या हुआ, अब भी वक्त है, तो क्या हुआ मैं कल ही से पहन लूँगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस, यानी जिसके अंदर हम बोलते हैं तो क्या हुआ, ये कर लो, तो क्या हुआ, इस तरह का सेंस। तो देखें यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर, सबसे पहले आएगा सो व्हाट, तो क्या हुआ के लिए आएगा सो व्हाट। सो व्हाट के बाद हमारा जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस आ जाएगा। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस, तो क्या हुआ एक और खा लो, तो क्या हुआ एक और खा लो, एक और खा लो, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस बनेगा। सो व्हाट ईट वन मोर, सो व्हाट ईट वन मोर। नेक्स्ट सेंटेंस, तो क्या हुआ तुम अपना मुँह धो लो, थोड़ा बेहतर महसूस करोगी, तुम अपना मुँह धो लो, ये आ जाएगा इम्पेरेटिव में, थोड़ा बेहतर महसूस करोगी, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। सो व्हाट वॉश योर फेस यू विल फील बेटर, सो व्हाट वॉश योर फेस यू विल फील बेटर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तो क्या हुआ थोड़ी देर और ठहर जाओ, तो क्या हुआ थोड़ी देर और ठहर जाओ, तो ये बनेगा इम्पेरेटिव में बनेगा। सो व्हाट स्टे फॉर अ वाइल, सो व्हाट स्टे फॉर अ वाइल, स्टे फॉर अ वाइल मतलब, फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तो क्या हुआ मैं कल इसे पहन लूँगा,
सो वॉट आई विल वेयर इट टुमारो, सो वॉट आई विल वेयर इट टुमारो। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आएगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू ट्रांसलेट। तो क्या हुआ, अब भी वक्त है। तो क्या हुआ, अब भी वक्त है। अब भी वक्त है यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो देयर से शुरू होकर अब भी के लिए हम स्टिल का यूज़ कर सकते हैं। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, देखें, बात ये है कि, या बात ये थी कि, यानी एक एक है प्रेजेंट में और एक है पास्ट में। तो बात ये है कि वो यहाँ आने से डरता है। बात ये थी कि मैं उस वक्त मसरूफ़ था। तो बात ये है कि प्रेजेंट में, बात ये थी कि पास्ट में। तो देखिए किस तरह से हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे, देखते हैं। पहले प्रेजेंट में देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम बोलेंगे, बात ये है के लिए, द थिंग इज़ दैट, द थिंग इज़ दैट, और द पॉइंट इज़ दैट, दोनों से हम बना सकते हैं। द पॉइंट इज़ दैट या द थिंग इज़ दैट, बात ये है कि। फिर उसके बाद जो हमारा सेंटेंस होगा वो आ जाएगा। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। बात ये है कि अब वो चल नहीं सकेगी। बात ये है कि अब वो चल नहीं सकेगी, अब यानी आज के बाद से वो चल नहीं सकेगी। तो बन जाएगा, द थिंग इज़ दैट शी विल नॉट बी एबल टू वॉक एनी मोर, द थिंग इज़ दैट शी विल नॉट बी एबल टू वॉक एनी मोर। ठीक है, नहीं सकेगी, क्योंकि सकना कैन का फ्यूचर होता नहीं है, इसलिए विल नॉट बी, विल बी एबल टू का यूज़ करते हैं हम इसके लिए। तो विल नॉट बी एबल टू वॉक एनी मोर। अब देखें इसको द पॉइंट इज़ दैट से भी बना सकते हैं। द पॉइंट इज़ दैट शी विल नॉट बी एबल टू वॉक एनी मोर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, बात यह है कि वो यहाँ आने से डरता है। बात यह है कि वो यहाँ आने से डरता है, बन जाएगा, द थिंग इज़ दैट ही इज़ अफ्रेड ऑफ कमिंग हेयर। अफ्रेड ऑफ कोई भी काम करने से डरना, ठीक है। तो द थिंग इज़ दैट ही इज़ अफ्रेड ऑफ कमिंग हेयर, या हम बोल सकते हैं द पॉइंट इज़ दैट ही इज़ अफ्रेड ऑफ कमिंग हेयर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, बात यह है कि हमजा की हिम्मत नहीं है उसका सामना करने की। तो बन जाएगा, द थिंग इज़ दैट ही डजंट हैव करेज टू फेस हर, या इसको हम द पॉइंट इज़ दैट से भी बना सकते हैं। ठीक, अब देखें इसको पास्ट में किस तरह बोलेंगे। बस क्या हो जाएगा, वॉज की जगह, इसकी जगह वॉज आ जाएगा, द थिंग वॉज दैट। ठीक है, तो पास्ट का हो जाएगा कि बात ये थी कि, या द पॉइंट वॉज दैट। सिंपल, दोनों का मतलब ये निकलेगा, बात ये थी कि, फिर उसके बाद आ जाएगा सेंटेंस। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। बात ये थी कि मैं उस वक्त मसरूफ़ था। बात ये थी कि मैं उस वक्त मसरूफ़ था, बन जाएगा, द थिंग वॉज दैट आई वॉज बिजी एट दैट मोमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द पॉइंट वॉज दैट आई वॉज बिजी एट दैट मोमेंट। अब द पॉइंट वॉज दैट आई वॉज बिजी एट दैट मोमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, बात ये थी कि तुम मुझसे मिलना भी नहीं चाहते थे, तुम मुझसे मिलना भी नहीं चाहते थे, बन जाएगा, द थिंग वॉज दैट यू डिडंट वॉन्ट टू इवन मीट मी, या द पॉइंट वॉज दैट से बना सकते हैं। द पॉइंट वॉज दैट यू डिडंट वॉन्ट टू इवन मीट मी। ठीक, सो आई होप आपको ये सारे स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू ट्रांसलेट। बात ये है कि मैं अब और नहीं खा सकती। बात ये है कि मैं अब और नहीं खा सकती। अब और के लिए एनी मोर का यूज़ कीजिएगा। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।